अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जनाब अभी हम शॉपिंग पे लिए निकले थे, आज बस लास्ट डे है, आज के बाद दोबारा यहाँ नहीं आना। और हुआ कुछ यूँ कि हमने शॉपिंग वैसे कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद एकदम से बाहर निकल के देखा इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही थी ना, बे इंतहा बारिश हो रही थी और हमारे साथ बहुत ही बुरा सीन हुआ। अभी आपको आगे चल के देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस यहाँ पे हमने जिन ड्राइव करवाई, इन ड्राइव से जो है हमें ऑटो रिक्शा मिला और ऑटो रिक्शा में हम बैठे, साथ में फ्राइज़ और चना चाट ली और हम लोग रवा दवा हुए अपने घर की तरफ। रास्ते में क्या हुआ, बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि गाड़ी जो है ना वो अंदर डूबे डूबे जा रही थी, ये इस साइड पर गुलबर्ग वाली साइड पर, ठीक है। और उसके बाद इतना कोई बुरे हालात में आज हम ट्रैफिक में फंसे, इतने ट्रैफिक में फंसे कि मुझे नहीं लगता इतने बुरे हालात में कभी फंसे होंगे हम लोग, कभी मैंने इतनी बुरा हमारे साथ हुआ होगा। तो बस अभी वॉइस ओवर जो है ना वो यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जो ऑटो वाले हैं अंकल ने मेहरबानी की कि भाजी यहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी कि आप यहाँ पे उतर जाएं और आप आगे जाके कुछ अपना बंदोबस्त कर लें, यहाँ पर बैठे रहें, आपकी मर्ज़ी है। तो हमने फैसला किया कि हम लोग उतर जाते हैं। यहाँ पर हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में और हमें एक घंटा हो गया है इस जगह पे हम फंसे हुए हैं, पीछे आगे पीछे ट्रैफिक जाम, अब क्या करें। अब हम जलील होए शापर पकड़ के ये भी एक एडवेंचर है, वाह। चलो जी आ जाओ मजा आया मजा आ रहा है। कहती जी ने शॉपिंग पे हेलो मैं नहीं बोल रही हूँ ये देखो जनाब, ये होता है जब हम आए थे इतनी धूप थी, कोई बारिश का नामो निशान भी नहीं था कि कहीं बारिश भी होगी। ये हालात है ट्रैफिक के, एक दफा फंस जाओ तो मतलब दोबारा से भूल जाओ आपके कभी घर पहुंच सकते हो। एक घंटा मुसलसल हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे हैं, उसके बाद उतर के हम लोग जो है ना अब बाग कर रहे हैं कि आगे से कुछ मिले, पता नहीं क्या मतलब, बहुत पीछे तक ट्रैफिक जो है ना वो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, ऊपर से बारिश की टिपटिपाहट। इतना रश क्यों है, आई हैव नो आइडिया। वाह कितनी मुश्किल से आई थी और ये देखो ये सारा दरिया, यहाँ पे चेक करो दरिया बना लगे ही सच में यार, ये देखे खौफनाक काम हुआ हुआ यहाँ पे। कैसे जाएंगे ये देखो, एक यही तरीका है जैसे ये लोग जा रहे हैं उस साइड पे जाने, उधर से इतने सुकून से आए थे जैसे आगे रास्ता मिल जाएगा क्लियर है। कसम से अपने आज इतनी बेबसी हो रही है, कोई समझ नहीं आ रही, इधर चेक करो उधर चेक करो, हर तरफ पानी पानी। अब यहाँ से एक ही रास्ता है कि यहाँ से निकल के आगे जाओ। आप ही मुझे बोलेंगे मैं तुम्हें शादी तेरी शादी नहीं हुई मेरे तो छोटे छोटे यार, आज तो वो एक शेर याद आ गया, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है यार, ये चेक करो आप इतनी मुश्किल से वो जगह क्रॉस करके आए हैं इतने पानी में, और मेरा काम चेक करें, मुझे अभी भी मोबाइल उठा के ब्लॉगिंग करने की पड़ी हुई है। एक्चुअली मैं दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे ट्रैफिक के हालात क्या कर, अब कोई पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, अल्लाह करेगा कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। कोई रिक्शा
कोई रिक्शा नहीं मिला, कोई ड्राइवर नहीं आ रहा। ये सिर्फ कहते हैं दरबार तक छोड़ देंगे। मैंने अपने मियाँ साहब को कॉल किया, मेहरबानी करो ना। वारसों की तरह हम फिर रहे, भटकी रूहों की तरह। नान को कॉल किया, वो कह रहे हैं अच्छा रुको मैं आ रहा हूँ, लोकेशन सेंड करे अपनी। बुरा हाल हो गया, कसम से बुरा हाल। अरे जलसे हो रहे हैं ना, ये क्या ऐसे मजलसी वगैरह लग रही है, उस वजह से रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। अल्लाह करेगा कभी ना कभी कहीं ना किसी रास्ते से तो घर पहुंच ही जाएंगे। फ्रेश लेमन लग रहे हैं यहाँ पे बारिश की वजह से, और हमें फिर पीछे उतार दिया, मतलब हमें फिर पीछे उतार दिया। हमने दरबार जाना था, यहाँ पे हमें रोक दिया चिंची वाले ने। ये 20-20 रुपए भी ले दी है और ये हमें पीछे उतार दिया। बाकी रिक्शे वाले आगे जा रहे हैं, इसने कहा नहीं बल्कि हमें कट, मुझे बड़ा लंबा पड़ना, इसी को लंबा पड़ना था। तो खैर अभी ये इस कंजवी पीछे, फिर हम निकलते हैं आगे। आयु इनको प्यास लगी, अदनान पहुंच भी गए होंगे वहां पे। ये है जी मजलिस, यहाँ पे इस वजह से ये गामे शाह मजलिस है, इसकी वजह से जो है ना ट्रैफिक सारी ब्लॉक है और रास्ते बंद किया हुआ है। वहां से आने का रास्ता भी बंद और इधर से आने का रास्ता भी बंद, जिसकी वजह से मसला हो रहा है। इन दिनों में इस साइड पे आना जाना बिल्कुल फजूल है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस साइड पे ये सब भी होगा, इतनी बुरी हालात भी होगी। मुझे नहीं लगता इससे बुरा कभी हम ट्रैफिक में फंसे होंगे। सो खैर अभी यहाँ से जाते हैं हम आगे दरबार, दरबार तक इंशाल्लाह ताला खौफ से अदनान पहुँच रहे होंगे, उनकी कॉल आ रही है, फिर हम आगे घर जाएंगे। ये पहुंच गए जी हम दरबार, ये लेफ्ट साइड पे हमारे दरबार है और अजान का टाइम भी हो गया, अजाने हो रही है मगरिब की। और यहाँ पे इस साइड पे सामने देखिए ये दरबार है, और ये जो पूरा फुटपाथ है ना पीछे तक, यहाँ पे इतनी कोई गंदी स्मेल आ रही है ना, इतनी गंदी यूरिन की स्मेल आ रही है, पता नहीं कैसी कैसी। यहाँ पे सारे जो है ना यहाँ पे नशे ही बैठे हुए हैं, चर्स पी रहे हैं, कोई पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। और इतनी गंदी हालत में इनकी बैठे हुए हैं ना, औरतें भी बैठी हुई हैं, मर्द भी बैठे हुए हैं, और ये सामने दरबार। बस अल्लाह रहम करे हमारे हालों पे, ये देखें। सोने जी यहाँ से आगे अजान खड़े हुए हैं, अब रोड क्रॉस करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको यहाँ के हालात। फाइनली अस्सलाम वालेकुम। इतना जलील और खुवार हुए हैं ना, यकीन करें आज तक इतनी गंदी ट्रैफिक नहीं कभी देखी। एक हम ट्रैफिक हुए हैं, एक ऊपर से ये मेट्रो का, इतनी इस तरह से पानी बह रहा है ना, थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ से खौफनाक डर जाते हैं। इसकी दुनिया में ना बस अदनान मुझे लगता है कि खाने के लिए आई है। वीडियो मैंने अंकल को दिखाई थी। चले जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं। घर आते ही सबसे पहले जो है ना नाइयां धोइयां की, सबसे पहले तो फ्रेश हो गई और खाना वाना खाया है, बच्चे जो है खेल रहे हैं, मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। वीडियो जो है ना वो बस एडिट करती हूँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो कल जो है ना आप लोगों के साथ जो वीडियो है ना वो मैं शेयर करूंगी एडिट करने के बाद। और आज का जो दिन है ना वो बड़ा एडवेंचर रहा हमारे लिए, जो कि आप लोगों के साथ जो है ना मैंने शेयर किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।